राजनांदगांव नगर निगम के बाजू स्थित दिग्विजय क्लब के अध्यक्ष और जिले के कलेक्टर एसपी महापौर ने वृक्षारोपण किया। मुख्य अतिथि के रूप में क्लब के अध्यक्ष कलेक्टर एसपी और महापौर उपस्थित वृक्षारोपण के महत्व को लोगों को बताया। नौ का बहुत ही पुराना क्लब है, 1962 में रजिस्टर्ड हुआ था। वैसे इसकी स्थापना 1935 में हो गई थी। यहाँ पे क्लब के सारे सदस्य बहुत ही एक्टिव हैं, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सचिव जी बहुत एक्टिव हैं। आज यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ है और इसके साथ ही साथ इस क्लब का काफ़ी सालों से एक इच्छा थी सब सदस्यों की कि इसमें और कुछ इसका समय के हिसाब से रिनोवेशन हो। तो आप देख रहे हैं कि अभी बढ़िया बैडमिंटन हॉल 2 कोर्ट का अभी बनने जा रहा है, बना रहे हैं ये, और जिम भी यहाँ पे बना है 3-4 साल पहले। तो धीरे धीरे इस क्लब का भी विस्तार हो रहा है और ये चूंकि शहर के हृदय स्थल पे है तो यहाँ पे जितने भी हमारे क्लब के जो मेंबर्स हैं ज़्यादातर इसमें काफ़ी सीनियर लोग हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा उनको भी एक अच्छा लगता है कि सब काम वो अभी अपने हाथों से करा रहे हैं और शाम का समय वो यहाँ पर बहुत अच्छे से समय व्यतीत कर सकते हैं, शहर के हित में और अच्छा चिंतन मनन यहाँ पे बैठ करके कर सकते हैं। 14 अगस्त को दिग्विजय क्लब के द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिनके अध्यक्ष कलेक्टर साहब हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो एसपी साहब हैं। इन सबकी उपस्थिति में और डेफो साहब की उपस्थिति में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। दिग्विजय क्लब जैसा नाम ही काफ़ी है, उस नाम के आधार पर क्लब उन्नति की ओर जा रहा है और तरक्की कर रहा है। निश्चित रूप से इस तरक्की से इस क्लब की सुंदरता से रानंद संस्कारधानी गौरवान्वित महसूस होगी। आज वृक्षारोपण की पूरी टीम को बधाई देना।